हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक फिर से लेके आए हैं, जो फिजिक्स का अभी जो आप लोग का चैप्टर जो चल रहा है, वेव एंड मोशन, उसी चैप्टर से रिलेटेड है। आप लोग देखिए कौन सा टॉपिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये आखिर होता क्या है? और उससे पहले जो है आप लोग का कि वेव क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं और उसका कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, वह सारा जो है आप लोग को डील कर चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जा करके देख लेंगे, ताकि क्या होगा कि वेव क्या होता है तो उससे क्या होगा आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर यहाँ आप लोग का ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग को ये टॉपिक्स पे चलते हैं। तो वह क्या करेंगे कि वह जो टॉपिक्स का जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और जो भी चैनल पहली बार आए हैं क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को क्या होगा कि नोटिफिकेशन टाइमली टू टाइम मिलता रहेगा। बेल आइकन की घंटिया को प्रेस करेंगे तब आएगा नोटिफिकेशन। चलिए देखिए, आपका एक टॉपिक्स है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव। आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव कहता क्या है? देखिए, आपको कहता है द प्रिंसिपल्स ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव स्टेट्स दैट, यानी यह आपका सुपर पोजिशन जो है वह कहती है, क्या कहती है कि व्हेन टू और मोर वेव क्रॉस एट अ पॉइंट, क्या होगा कि आपको दो या दो से अधिक वेव जो होंगे किसी एक पॉइंट से आपका क्या होगा क्रॉस करेगा। तब देखिए आगे क्या कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से आपका क्या कर रहा है कि वेव आपको क्रॉस कर रहा है, उस पॉइंट से आपका डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो बराबर होंगे द इक्वल टू सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव, यानी जितना वेव जो है आपका किसी एक पॉइंट से आपका क्या कर रहा था क्रॉस कर रहा था, तो उन सब का जो अपना डिस्प्लेसमेंट जो होंगे उसका सम क्या होगा आप लोग का, ये प्रिंसिपल बतलाएगा। और तो देखिए, और इसमें जो होगा आपका इंडिविजुअल वेव उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है आपका नेगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आखिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होगा, चलिए हम फिगर से पहले बनाते हैं, फिगर से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपको कहता है इस तरह से कि आपका मान लीजिए ये आपका एक वेव है, आपका पहला एक वेव ये है और दूसरा वेव जो है उसका भी आपका क्या होगा कि साइकिल जो होंगे, टाइम पीरियड जो होंगे वो आपका सेम होगा। देखिए ये इस तरह से, और ये आपका ये है, यहां आप देख रहे हैं कि आपका दो वेव है और इस एक ही पॉइंट से आपका क्या हो रहा है कि आपका क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका जो हाफ साइकिल का जो पीरियड जो होंगे वह दूसरा जो आपका यहाँ जो साइकिल देख रहे हैं, मतलब यहाँ आपका दो वेव जो है उसका भी क्या होगा यानी कि पीरियड सेम होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट कह रहा था, तो आखिर ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो आप लोग जो जानते हैं कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ही किसी वेव का डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो यहाँ देखिए, आपका पहला वेव ये है और दूसरा वेव आपका ये है, तो मान लेते हैं कि पहला वेव जो है उसका डिस्प्लेसमेंट आपका वाई वन और जो दूसरा वेव जो है आपका डिस्प्लेसमेंट आपका वाई टू है। तो आपको ये सुपर पोजिशन जो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट का सम जो होगा वो आपको ये आपको बतलाएगा। तो आपको ये सम कितना होगा, तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, तो इन दोनों का सम देख लीजिए कितना होगा, इतना लेंथ जो है और इसका अपना जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों से देखिए बनेगा आपका सेम ही, और आपका इस तरह से देखिए जो आपका जो इक्विवेलेंट वाला भी बन रहा है उसका भी टाइम पीरियड आपका सेम ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वह क्या होगा आपका ये दो वेव जो थे ऊपर वाला ये और ये वेव, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया सम हो गया। तो मान लेते हैं कि सम जो है आपका वाई हो गया, तो आखिर आप बताइए कि आपका वाई का जो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ जो होगा
मतलब इक्विवेलेंट वेव का जो आपका लेंथ जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, कितना हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू, क्या हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव का आता है। इधर आपका क्या हो जाएगा, और ये आपको टाइम के साथ ये आपका बतलाएगा, इधर जो होगा आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट नीचे से लिख देते हैं, डिस, चलिए ऐसे लिख देते हैं, नहीं इधर करके करेंगे तो फिर आपका जगह ले लेगा, आप लोग समझ आएंगे। यहां जो है ये आपको ये एक्स एक्सिस आपको टाइम बतला रहा है, और ये वाई एक्सिस जो होगा आपका ये डिस्प्लेसमेंट बतलाएगा। तो देखिए एक बार फिर से एक बार समझ लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता है कि आपका जब दो या दो से अधिक वेव किसी एक पॉइंट से आपका क्या करोगे, क्रॉस करेगा, किसी एक पॉइंट से क्रॉस करेगा, तो जो भी आपको इंडिविजुअल जो आपका वेव जो है उसका डिस्प्लेसमेंट का सम जो है आपको बतलाएगा। एक बार देखिए स्टेटमेंट पढ़ के, द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स क्रॉस एट ए पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर जो आपको क्रॉस कर रहा है इसी पॉइंट से आपका जो होगा वह सम होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस पॉइंट से जो आपको जो गुजर रहा है तो इसका जो इंडिविजुअल वेव जो है इसका डिस्प्लेसमेंट का सम क्या होगा आपको बतलाएगा, मतलब पहला का वेव का डिस्प्लेसमेंट दूसरा का वेव के डिस्प्लेसमेंट का सम बतलाएगा। तो सम मान लिए वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका वाई वन प्लस वाई टू। तो यही तो था आपका यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कितना इजी था। आप लोग देखिए ये एग्जाम में दो मार्क में देगा, यदि एक ही देगा स्टेटमेंट लिखने के लिए तो आपको ये दो मार्क में देगा, और यदि क्या होगा यदि छह मार्क में पूछता है, कितना मार्क में, छह मार्क में, तो आपको क्या होगा कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए देगा, जिसमें क्या होगा आपको तीन दिया रहेगा, तीन यानी कि तीन टॉपिक्स आपको दे देंगे और बोलेंगे कि किसी दो टॉपिक्स पे आप शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो हो सकता है आप लोग को ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स दे देगा, चाहे आपको पूछेगा ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, इस तरह से आपको दो पॉइंट दे देगा और उस पर बोलेगा आपको लिखने के लिए। तो आप लोग इतना लिख देंगे आप लोग को ये सफिशियंट है। लेकिन देखिए एग्जाम में जो है मायने रखता है आपका फिगर, कोई भी जो स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें फिगर हो तो आप लोग पहले क्या करेंगे फिगर अवश्य देंगे, फिगर नहीं देते हैं इसे क्या होता है आपका मार काट लेगा। आप स्टेटमेंट थोड़ा यानी कि ग्रामेटिकल रॉन्ग भी होगा तो चलेगा, लेकिन आप यदि फिगर बता दे रहे हैं तो जो भी एग्जामिनर जो होगा वह समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, या फिगर से एग्जामिनर आपकी बातें समझ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है जो भी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं सबका आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है, तो क्या होगा तो आप लोग को फिगर पे मार्क दे देगा। तो चलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे होंगे, यदि आप लोग का अच्छा लगता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ये समझ में आया, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग फिर भी कमेंट करेंगे कि कहाँ समझ में नहीं आया, तो हम आप लोग को कमेंट की जवाब देंगे और बतलाएंगे कि आपको कठिनाई कहाँ हुई है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं चैनल पर जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि आप लोग को जल्द से जल्द हम लाइव दे पाएंगे, और आपको लाइव देंगे तो वहां आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।